सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल ने बुधवार को ईडी के अधिकारियों से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। पूजा सिंघल के खुलासे और कबूलनामे के बाद झारखंड के कई अधिकारी और कुछ नेताओं के मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों ने खुलासा किया कि पूजा सिंघल ने अवैध खनन मामले में कुछ अधिकारियों और एक बड़े राजनेता की सुरक्षा स्वीकार की है। पूछताछ के दौरान एक और नाम सामने आया है जो कोलकाता के अग्रवाल परिवार का है और ये आरोप लगाया गया है कि अवैध खनन के लिए धन अग्रवाल परिवार के माध्यम से एकत्र किया गया और कोलकाता भेजा गया। गिरफ्तारी के एक दिन पहले ईडी की छापेमारी में सीए सुमन के पास से नगद 19 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद किए गए। सुमन कुमार अभी तक पैसे के स्रोत का खुलासा नहीं कर पाए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ एक डायरी लगी है। इस डायरी से कई हाई प्रोफाइल लोगों का राजफाश होने का आसार है। बताया जाता है कि इस डायरी में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किए गए लेनदेन का ब्यौरा दर्ज है। साथ ही कई राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों के मोबाइल नंबर भी है। जांच आगे बढ़ने पर ईडी की टीम उनसे भी पूछताछ कर सकती है और संतुष्ट नहीं होने पर गिरफ्तारी भी संभव है। पूजा सिंघल से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।